Let it hang. हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के समाकलन के बाई पार्ट के तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हमेशा पूछते हैं। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, तीनों क्वेश्चन हमने लिख दिया है। एक क्वेश्चन है x sin x dx का, दूसरा नंबर दिया है x sec स्क्वायर x dx का, और थर्ड नंबर दिया है e के पावर x sin x प्लस cos x dx का। ये तीनों क्वेश्चन बाई पार्ट के समाकलन के बाई पार्ट के क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पिक या दो नंबर या तीन नंबर, कभी कभी पांच नंबर में भी ये सब क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो आइए हम लोग बाई पार्ट का फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग तीनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं बाई पार्ट का फॉर्मूला जो होता है, हम लोग का बाई पार्ट का फॉर्मूला जो होता है, एक समाकलन होता है, एक फर्स्ट फलन एफ एक्स वन है और इंटू एफ एक्स टू है, दोनों का अगर हम लोग को समाकलन निकालना रहता है तो फर्स्ट फलन का हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन का हम लोग समाकलन करते हैं, ठीक उसी प्रकार माइनस करके जो फर्स्ट फलन जिसको मान लेते हैं, मान लीजिए इसको हमने फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना है, तो फर्स्ट फलन का अवकलन कर देते हैं, डी बटा डी एक्स फर्स्ट फलन का अवकलन इंटू समाकलन ऑफ सेकंड फलन इंटू इन सभी का क्या करते हैं समाकलन फिर से कर देते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये जो हमारा होता है, यही हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक। ये हमारा क्या है, फर्स्ट फलन दो फलन आपस में गुणा है, बाई पार्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं अलग अलग लोगों का करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट फलन का अवकलन इंटू समाकलन ऑफ सेकेंड फलन, दोनों का जो आएंगे उसका हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग समाकलन कर देते हैं पूरे का। तो यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला के बेस पर हम लोग जो तीन क्वेश्चन लिखे हैं, जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन दिया है, क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है समाकलन ज्ञात कीजिए x sin x dx का, ठीक। तो यहाँ पर हम चूंकि आपको बताए हैं कि किसी भी फलन को, दो फलन हो बाई पार्ट हो, तो उसको हम लोग किस मेथड के मानते हैं, आइलेट के फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग पहचानते हैं कि किसको फर्स्ट माना जाए, किसको सेकंड माना जाए। तो यहां से देखिए, आइलेट जो होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, एल का मतलब होता है लॉगरिदम, ए से होता है अर्थमेटिक, टी से होता है ट्रिगोनोमेट्री, ई से होता है एक्सपोनेंटियल। तो यहाँ पे देखिए, एक्स हमारा क्या है, अर्थमेटिक है, और साइन एक्स क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है। तो पहला हमारा क्या आता है, ए आता है, यानी हम लोग इसको मान लेंगे फर्स्ट, साइन थीटा को ट्रिगोनोमेट्री है, ए के बाद टी है, यानी हम टी को क्या मान लेंगे, सेकेंड फलन, यानी इसको हम लोग मान लेंगे सेकेंड फलन। और यही सेम फॉर्मूला का अप्लाई करके हम लोग इसको साफ कर देंगे। तो साफ करने के लिए जानते हैं, ये फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन। तो फर्स्ट फलन हमारा क्या है, एक्स है, इंटू सेकेंड फलन का समाकलन, सेकेंड क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस, अब क्या होता है, समाकलन है फर्स्ट फलन का अवकलन, ये हो जाएगा फर्स्ट फलन का अवकलन एक्स का अवकलन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन। तो सेकेंड फलन हमारा क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स डी एस का समाकलन, और इन सभी का क्या हो जाता है, फिर से हम लोग समाकलन कर देते हैं, सिर्फ ठीक यही वाला फॉर्मूला का अप्लाई करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां से देख लीजिए, एक्स ये हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स का मान क्या होता है, साइन एक्स का मान होता है कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स होता है, तो ये माइनस कोस एक्स, ठीक, माइनस समाकलन रहेगा ही डी बटा डी एक्स, ए से चूंकि हम लोग का अवकलन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा एक इंटू साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक। इसका हो गया, अब हम लोग का पूरे वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। अब यहाँ देखिए, माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस बाहर कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा हमारा आंसर माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा समाकलन आप कॉस एक्स इंटू डी एक्स, एक में कॉस एक्स से गुणा करेंगे तो हमारा कॉस एक्स ही आता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, अब कॉस एक्स हम लोग समाकलन पता है, ये साइन एक्स होता है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, साइन एक्स लिख देंगे, ठीक। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, दिए गए फलन का प्लस में इसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं, सी हमारा जो कॉन्स्टेंट होता है वो हम लोग सभी को मान लेते हैं, जब क्योंकि हम जब इसका अवकलन करेंगे तो सी का अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हमारा सेम वही समाकलन वाला ही फलन आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग दो फलनों का आपस में जब गुणा होता है
मात्र चार पांच मेथड का उपयोग करके हम दिए गए फलन का आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यही हमारे दिए गए फलन का आंसर होगा। ठीक, उसी बार क्वेश्चन नंबर टू को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू दिया है, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि समाकलन ज्ञात कीजिए एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का। ठीक, तो इसमें भी देखिए एक हमारे क्या अर्थमेटिक है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा फर्स्ट फलन हो जाएगा, और सेक स्क्वायर क्या है हमारा लॉग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड फलन हो जाएगा। दोनों को फर्स्ट सेकेंड के फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग साफ कर देंगे, साफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स का वैल्यू क्या है एक्स इंटू फर्स्ट फलन है इंटू सेकेंड फलन का समाकलन यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट फलन, फर्स्ट फलन का अवकलन, फर्स्ट फलन हमारा वो एक्स है तो एक्स का अवकलन इंटू समाकलन ऑफ सेकेंड फलन, सेकेंड फलन क्या है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन। सभी का हम लोग क्या करते हैं फिर से हम लोग समाकलन कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सभी को पहले कर लेते हैं उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ पर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है टेन एक्स का होता है, तो ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस डी बटा डी एक्स समाकलन ये रहेगा ही, डी बटा डी एक्स क्या एक होता है तो ये हो जाएगा एक इंटू ये क्या है सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है टेन एक्स डी एक्स। अब एक में टेन एक्स से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सेम टेन ही एक्स होगा, यानी अब हम लोग क्या टेन एक्स का फॉर्मूला पता है लॉग सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हम फॉर्मूला में हो जाएगा एक्स टेन एक्स माइनस टेन एक्स समाकलन क्या होता है फिर हम लोग इसका समाकलन करते हैं ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस इसमें हम लोग क्या करते हैं सी को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं दिए गए फलन को सॉल्व करते हैं। तो ये भी क्या है ये भी हमारे तीन स्टेप में क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग दिए गए फलन को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन बचा है ई के पावर एक्स के रूप में रहता है, तो ई के पावर एक्स के रूप में जहां दिखेगा आपको सीधे उस वाले पार्ट को पहले आई मान लेना है, आई मानने के बाद उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए देख लीजिए इस दोनों को कर लिया आप उसको साइन में कर लेते हैं या इसको मिटका देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री दिया है समाकलन ज्ञात कीजिए आई इक्वल टू मान लेंगे हम लोग समाकलन ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स का। ठीक, इस प्रकार का फलन हमें जहां दिया होगा एक का देखिए यहाँ साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो इस प्रकार से दोनों का सेम हम लोग का फलन अवकलन अवकलन उसका अवकलन दोनों दिया होगा, फलन दिया होगा उसका अवकलन सेम दिया होगा ई के पावर एक्स के रूप में दिया होगा, तो हम लोग किसी एक पार्ट को मान लेते हैं एक पार्ट को करते ही जाते हैं दूसरे पार्ट को सेम वैसे ही रन देते हैं। देखिए कैसे यहाँ पर हो जाएगा आई इक्वल टू यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स साइन एक्स गुणा हो जाएगा तो ये साइन एक्स हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा ई के पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, अब इस वाले फलन को या हम लोग सॉल्व करेंगे इस वाले फलन को हम लोग वैसे ही वैसे रन देंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या मानते हैं सेकेंड फलन मानते हैं, इनको हम क्या मानते हैं फर्स्ट फलन मानते हैं। ठीक, और ये वाला पार्ट हमारा क्या रहेगा सेम वैसे ही वैसे रहेगा। तो ये वाला पार्ट पहले देख लीजिए यहाँ पर दो फलन अलग अलग है तो दोनों फलनों को पहले अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू समाकलन ऑफ ई के पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस समाकलन ऑफ ई के पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, अब इस वाले पार्ट को हम लोग स्थिर रख देंगे और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए तो सॉल्व करेंगे इसको फर्स्ट मानेंगे इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड मानेंगे। क्यों मानेंगे इसको फर्स्ट, देखिए साइन एक्स होंगे फर्स्ट क्यों मानेंगे पहले हमारा ट्रिगोनोमेट्री आता है उसके बाद एक्सपोनेंशियल आता है और इस ई के पावर एक्स हमारा क्या है एक्सपोनेंशियल है तो वो लास्ट में आता है यानी उसको हम सेकंड मानेंगे और इसको हम लोग क्या मानेंगे फर्स्ट मानेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फलन ये हमारा सेकंड फलन, तो इसका हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन। ठीक, माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट फलन का अवकलन, तो फर्स्ट फलन हमारा क्या है साइन एक्स है तो साइन एक्स का अवकलन इंटू समाकलन ऑफ फर्स्ट फलन सेकेंड फलन, इन सभी का हम लोग क्या होता है समाकलन हो जाता है और ये हमारा पार्ट रहेगा सेम वैसे ही ई के पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए आई की वैल्यू है ये आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा आई हमने मान लिया इसी वाले पार्ट को। ठीक, अब देखिए ई के पावर एक्स से समाकलन हम लोग क्या होता है ई के पावर एक्स ही होता है तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस अब देखिए साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स होता है तो ये हो जाएगा
कोस एक्स इंटू, अब बताइए ई के पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है डीएक्स होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस ई के पावर एक्स कोस एक्स डीएक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने इस वाले पार्ट को क्यों स्थिर रखा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर एक का फलन दिया हो और फलन का अवकलन सेम उसी में दिया हो तो किसी एक पार्ट को हम लोग स्थिर रख देते हैं, स्थिर रखने से बाद में वो सेम फलन आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए e के पावर x cos x दिया है, e के पावर x cos x दिया, ये प्लस में दिया और ये हमें माइनस में दिया है, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा e के पावर x sin x बच जाएगा, यानी i की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी e के पावर x sin x, और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा c, कांस्टेंट हमारा जो जुड़ जाता है वही हमारा c हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे दिए गए फलन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ई के पावर एक्स के रूप में हमारा फलन दे देता है उसको पूछता है तो कैसे सॉल्व करें, यानी कि यहाँ से आप एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि ई के पावर एक्स एक फलन दिया है और फलन का सी उसी में जोड़ दिया है, एक फलन दिया है एफ एक्स दिया है, तो उसका हम लोग का जो अवकलन समाकलन निकालेंगे तो समाकलन ई के पावर एक्स और फलन को जोड़ देंगे प्लस सी जोड़ देते हैं, यही हमारा क्या होता है फलन होता है। एक प्रकार ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। तो बताइए सेम इसी बेस पर हमारा ये वाला क्वेश्चन है, e के पावर x एक फलन दिया उसका अवकलन उसी में दे दिया और dx करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड के परीक्षाओं में, तो ये बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आपको कोई भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको कोई उसको मिस ना कर पाए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो हमें बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेन हम लोग फोकस है कि बोर्ड के परीक्षाओं में विद्यार्थियों को वही क्वेश्चन को दिया जाए जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हमेशा पूछते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।